और जमानत के बाद कल बाहर निकलेंगे संजय सिंह। आज अस्पताल में हैं आप सांसद संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट से मिली है संजय सिंह को जमानत। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। जिस केस में केजरीवाल बंद हैं उसी केस में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से आज मिली जमानत। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खास बात ये कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति भी दी है। ट्रायल पूरा होने तक संजय सिंह जमानत पर रहेंगे। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी उसी केस में बंद हैं जिसमें संजय सिंह को जमानत दी गई है। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने लिखा, सत्यमेव जयते। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लिखा कि सच की हमेशा जीत होती है। सच को दबाया जा सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संजय सिंह को शेर कहा और लिखा कि उनकी रिहाई से पूरी पार्टी खुश है। संजय सिंह को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी अनीता का TV9 पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, 3 बड़े भाई जेल में, इसलिए ज्यादा खुशी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी राहत तब जब तीनों भाई बाहर आएंगे। अनीता सिंह से बात की है हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह हमारे साथ है, आप अस्पताल से उनसे मिलके आ रही हैं। हाँ, अभी उनकी सेहत ठीक है और आज जो न्यायपालिका ने जो भी आर्डर किया है और उससे सबको थोड़ा सी राहत मिली है, लेकिन पूरी राहत तभी होगी जब 3 भाई हमारे बाहर आ जाएंगे। और हम चाहते हैं उनके न्यायपालिका पे, मुझे पूरा भरोसा है कि उन तीनों भाइयों को भी इसी तरह से राहत देंगे और एक दिन वो लोग भी बाहर आएंगे, फिर हम लोग साथ में। भले ही जमानत मिल गई है लेकिन खुशी आप नहीं मनाएंगे? नहीं, अभी खुशी हम इसलिए नहीं मना सकते क्योंकि अभी हमारे तीनों बड़े भाई अंदर है, जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक कोई खुशी नहीं। अब आगे की प्रक्रिया आपको बताएगी, कब छूटेंगे जेल? वो कल दोपहर 3-4 बज जाएगा। अस्पताल से रिलीज होंगे? नहीं, अस्पताल से दोपहर में रिलीज हो जाएंगे लेकिन उसके बाद प्रोसेस जो होगा वो उस हिसाब से होगा। 6 महीने कितने आपके लिए संघर्ष पूर्ण रहे? बस आप लोग तो मिलते रहे और संघर्ष मेरा पहले भी ऐसे ही था, आज भी था, तो ठीक है। संघर्ष सुनवाई हुई, उम्मीद थी कि जमानत मिल जाएगी? हाँ, आज उम्मीद थी, लग रहा था कि आज कुछ पॉजिटिव होगा, तो सब भगवान ने सुना और न्यायपालिका ने भी अच्छा किया। और सांसद संजय सिंह की जमानत पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा है, देखिए TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। माननीय कोर्ट ने जमानत दी है, किन शर्तों पे दी है ये देखने का विषय, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि रास्ता आगे खुलेगा, सिसोदिया भी बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन भी बाहर आ सकते हैं, मतलब चुनाव से पहले उनके तमाम जो नेता। अरविंद केजरीवाल कल रास्ता खोल के गए हैं आतिशी मार लेने का और सौरभ भारद्वाज का, रास्ते खुल रहे हैं, सबके लिए खुल रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद भी उनका कहना है कि जेल से सरकार चलाते रहेंगे केजरीवाल। देखिए, मैंने कहा ना कि आम आदमी पार्टी का चरित्र जो है वो निर्लज है, नैतिकता नाम की चीज़ इनमें है नहीं। जरा अरविंद केजरीवाल अपने पुराने भाषण देख लें, किसी पे भी एक आरोप लगे उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, कुर्सी पे बैठे रहने का अधिकार नहीं है। और अब इस राजमहल से इतना वो हो गया इनको कि उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी तरह से उसे चिपके रहना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी का चरित्र जनता देख रही है, फैसला करेगी। लेकिन संजय सिंह के बाहर आने के बाद आप लोग क्या देखते हैं कि और भी नेता बाहर आ जाएंगे, कैसे काउंटर करेंगे? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि माननीय न्यायालय ने कोई निर्णय दिया तो उसका हम सम्मान करते हैं। जांच अभी चल रही है, केस अभी ट्रायल में है। जमानत सत्येंद्र जैन को भी मिली थी, आज कहाँ है सत्येंद्र जैन?